इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, फोर ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर में से हमने कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में से भी हमने जो है एक्स स्क्वायर जो है कॉमन ले लिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो ये वाली चीज़ मिल जाएगी हमको नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस वाली टर्म में जो है हम कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या लिख लिया, x माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस वन, इसका होल स्क्वायर हम खोलते हैं तो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये हमको मिलेगा, ठीक है ना। तो उसमें अगर हम प्लस वन जोड़ देंगे तो ये वाली टर्म मिलेगी, क्योंकि यहाँ हमको क्या चाहिए, माइनस वन चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका होल स्क्वायर लिखा और प्लस वन हमने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसमें हम सब्सटीट्यूशन पुट कर रहे हैं, एक्स माइनस वन बाई एक्स को हम टी पुट कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो इस वैल्यू की जगह हम तो रख देंगे डी टी, ठीक है। तो इस वैल्यू की जगह हमने क्या रख दिया, डी टी रख दिया, और इसकी जगह हमने टी रख दिया। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है वो क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है प्लस सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स टी मिल जाएगा प्लस सी। तो एक्स टी की जगह हम वापस से ये वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स माइनस वन बाई एक्स, फिर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी, जो कि आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर सी।